पिछले समय हम लोगों ने देखा था नॉर्मल कंप्यूटेशंस कैसे करते हैं, इवैल्यूएशन एक्सप्रेशन का किस तरह से होता है, इंटीजर फ्लोटिंग पॉइंट क्या है, और एक के बाद एक अगर इंस्ट्रक्शंस लिखते चले जाएं तो सी प्लस प्लस उसी ऑर्डर में उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर देगा। और इस तरह से कोई भी अगर फार्मूला कंप्यूट करना है या कुछ वैल्यू कैलकुलेट करना है तो हम समझ गए किस तरह से कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसे प्रॉब्लम होते हैं कि इंस्ट्रक्शंस हम लिख दें तो हम ऐसा नहीं चाहते कि सबके सब इंस्ट्रक्शंस एक साथ एक के बाद एक एग्जीक्यूट हो जाए। हम चाहते हैं कि कोई कंडीशन चेक हो और वो कंडीशन अगर उसका उत्तर हाँ में आए तो कोई एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, ना में आए तो कोई दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। जैसे यह सवाल, यहाँ पे आपको दो नंबर्स पढ़ने, कोई भी दो नंबर्स देगा आदमी, लेकिन ये सवाल ये बोलता है कि दोनों नंबर नहीं छापने आपको, आपको उन दोनों में से जो बड़ा है उसी को खाली छापना है। छापने के लिए इंस्ट्रक्शन है सी आउट, पढ़ने के लिए इंस्ट्रक्शन है सी इन। खाली ये प्रॉब्लम रहता है कि दो नंबर्स पढ़ो और दोनों छाप दो तो हम ये प्रोग्राम लिख सकते थे, इंटीजर डिक्लेयर कर दिया ए और बी को, दोनों नंबर पढ़ लिए एक के बाद एक, और फिर ये एक एक ये छाप दिया एक दूसरा छाप दिया, दोनों बाहर आ गए। लेकिन अब सवाल यह है कि हमें दोनों नहीं छापने इस प्रॉब्लम में। मान लीजिए इनपुट आया 5 और 17, तो क्या छापेंगे हम? खाली 17। और अगर इनपुट आया 22 और 8 तो 22 छापेंगे। अगर इनपुट आया -9 और 2 तो क्या छापेंगे? 2, क्योंकि 2 इज़ ग्रेटर देन -9। वो -9 संख्या में बड़ा लगता है 9, लेकिन निगेटिव है, तो एनी पॉजिटिव नंबर इज लार्जर देन एनी निगेटिव नंबर, डोंट फॉरगेट द फंडामेंट। एनी वे, ये अगर काम करना है तो ये प्रोग्राम नहीं करेगा, ये प्रोग्राम दोनों नंबर पढ़ेगा और दोनों छापेगा, हमें इनमें से एक ही छापना। तो हमें कुछ इस तरह की इंस्ट्रक्शन चाहिए कि हम सी प्लस प्लस को बोल सके कि भाई दोनों नंबर देख लो, उनमें से जो बड़ा हो खाली उसी को छापो, अगर पहला बड़ा हो तो पहले को छापो, अगर दूसरा बड़ा हो तो दूसरे को छापो। ये कैसे बताया जाए? ये इंस्ट्रक्शन के लिए सी प्लस प्लस में एक स्टेटमेंट है, उसको बोलते हैं इफ स्टेटमेंट। हम क्या करना चाहते हैं, इसको एक बार ये फ्लो कंट्रोल के नज़रिए से देखें। फ्लो कंट्रोल का मतलब है जैसे नदी बहती है वैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम में बहता रहता है, पहले एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। इस बहाव को हम चाहते हैं कि या तो बहाव इस तरह चला जाए या उस तरह चला जाए, लेकिन पूरे लाइन में सबके सब इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट ना। ये जो प्रोग्राम लिखा है हमने, इसका अगर फ्लो चार्ट हम बनाएंगे तो ये ऐसे दिखेगा, इनपुट ए बी, ठीक है, पहले इनपुट ए बी, फिर आउटपुट ए आउटपुट। अब हम चाहते हैं कि एक कंडीशन चेक की जाए कि ए बड़ा है कि बी। अगर ए बी से बड़ा हो तो हम खाली ये छापना चाहते हैं, ये नहीं, और अगर बी ए से बड़ा हो तो हम इसको नहीं छापना चाहते, इसको छापना। यानी हमें कुछ तरह से ऐसा कुछ चाहिए कि यहाँ पे इनपुट तो पढ़ ले वो ए और बी, लेकिन इसके बाद में ये छापने के लिए सीधा ना जाए, पहले वो कंडीशन चेक करें। क्या ए बी से बड़ा है? अगर ए बी से बड़ा है तो हम क्या करना चाहते हैं? अगर ये नहीं है तो क्या करना चाहते हैं? और इसके बाद में प्रोग्राम खत्म करना चाहते हैं, रिटर्न 0 पे आना चाहते हैं।
लेकिन अगर ये आउटपुट ए छाप दिया और इसके बाद में हमने अगर आउटपुट बी इंस्ट्रक्शन लिखी, तो हम ये नहीं चाहते कि इसके बाद ये एग्जीक्यूट हो, हम इसको बाहर निकाल लेना चाहते हैं और ऐसे लाना। इस फ्लो चार्ट को जनरली ये सिंबॉलिज्म तो समझ गए होंगे आप, ये डायमंड बॉक्स लिखते हैं कोई भी कंडीशन चेक करवाना हो अपने को, और इसका तात्पर्य तो समझ गया कि अगर ये कंडीशन सही हुई तो ये एग्जीक्यूट करना है, नहीं तो ये एग्जीक्यूट। प्रोग्राम में हम कैसे लिखेंगे? प्रोग्राम में आप एक लाइन के बाद दूसरी लाइन लिख सकते हैं। प्रोग्राम में ऐसा नहीं कर सकते कुछ लाइनें एक तरफ लिख दी, कुछ लाइनें एक तरफ लिख दी और उसको बोला कि यह कंडीशन सही है तो ये करो नहीं तो ये करो। लाइनें तो एक के नीचे एक ही लिखना पड़ेंगी। तो इसके लिए इसी फ्लो चार्ट को इस फॉर्म में लिखा जाता है ताकि एक के बाद एक दिखे, इस तक दिखे खाली। लॉजिक तो वही रहेगा जो है उसका, यानी इसके बाद में ये एग्जीक्यूट होगा, अगर ये सही है ये ट्रू है तो यहाँ से यहाँ कंट्रोल आएगा, ये अगला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, बाद में हम निकल जाएंगे, और अगर ये सही नहीं है तो ये स्टेटमेंट स्किप हो जाएगा, हम इधर आ जाएंगे नीचे। लेकिन कागज़ में लिखते समय हम ये लिखेंगे, फिर कंडीशन चेक करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे, फिर उसके बाद ये लिखेंगे और ये लिखेंगे। लेकिन हमें लिखते समय भी ये बताना है अपने आप को भी कि ये जो है ये ट्रू के साथ जुड़ा हुआ है और ये जो है ये फॉल्स के साथ जुड़ा हुआ है। इसके लिए जो इंस्ट्रक्शन लिखी जाती है उसको बोलते हैं इफ। इफ़ का मतलब होता है ये डायमंड बॉक्स आ गया, जहाँ पे भी आपने इफ़ लिख दिया प्रोग्राम में वहाँ पे डायमंड बॉक्स आ गया, और डायमंड बॉक्स के अंदर जो भी कंडीशन लिखी होगी वो इसके सामने आप ब्रैकेट में लिखें। उसके बाद इसके नीचे जो भी स्टेटमेंट्स आप लिखते जाएंगे उनको बोलेंगे ये ट्रू पाथ में आ गए। ये ज़रूरी नहीं कि एक ही स्टेटमेंट, दो तीन चार भी कर सकते हैं आप। अगर कंडीशन ट्रू है तो आपको खाली एक ही काम करना, ऐसा नहीं, दूसरे प्रॉब्लम में तीन चार काम भी करना पड़ सकता है। वो तीनों चारों काम जो है उसकी इंस्ट्रक्शन आप यहाँ लिख सकते हैं। और इसके लिए क्या है, ये ब्रेस बनाए, ये देखिए ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। सी प्लस प्लस में ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट के बीच में आप कितनी भी इंस्ट्रक्शन लिखो उस सब का मतलब होता है खाली एक इंस्ट्रक्शन, सी प्लस प्लस के लिए वो एक ही इंस्ट्रक्शन, तो इसलिए वो इंस्ट्रक्शन यहाँ लिख सकते हैं ट्रू पार्ट, और दूसरी तरफ जो है वो एल्स पार्ट में लिख सकते हैं। एनी प्रॉब्लम इन दिस? समझ गए। तो ये प्रोग्राम फिर कैसे लिखा जाएगा? या इफ द यूजर एंटर्स टू वैल्यूज विच आर इक्वल देन व्हाट विल बी द रिजल्ट? अगर दोनों वैल्यूज एक हों तो क्या होगा? देन देयर शुड बी अ थर्ड कंडीशन ऑफ इक्वालिटी। देखते हैं पहले सोचते हैं ये प्रोग्राम करेगा क्या। अगर ऐसा प्रोग्राम लिखा हमने और दोनों वैल्यूज इक्वल हुई, चलिए मान लेते हैं ये इक्वल वैल्यूज दे दी उन्होंने, ये वैल्यूज दे दी 15 और 15, ठीक है, इक्वल हो गई वैल्यू, ए की वैल्यू भी 15 है, बी की वैल्यू भी 15 है,
जब इनपुट किया था। यहाँ कंपेयर करेंगे, इज ए ग्रेटर देन बी, क्या यह कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा? एल्स वाला, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। छाप के क्या आएगा? 15। बी तो आपने प्रोग्राम के अंदर नाम लिखा है, आपको वैल्यू क्या आएगी छाप के? 15। अब आपको ये 15 छाप क्या है या वो 15 छाप क्या है, इसमें दिक्कत क्या है? 15 तो 15 ही है, मतलब पहले दे दो या बाद में दे दो। लेकिन वो जो सवाल पूछा उसका एक बड़ा मायना है कि कई बार ऐसा हो सकता है कि कंडीशन हमारी ऐसी है कि ग्रेटर है तो एक काम करो, लेस है तो दूसरा काम करो, और इक्वल है तो तीसरा काम करो। अगर ऐसा प्रॉब्लम हुआ तो ये सॉल्यूशन नहीं चले, लेकिन इस प्रॉब्लम में ये चले, क्योंकि इस प्रॉब्लम में हमें खाली दोनों में से बड़ा कौन सा है निकालना है, और मैथमेटिकली अगर दोनों इक्वल हों तो दोनों ही बड़े हैं, दोनों में से कोई सा भी नंबर हम छाप दें तो चले, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को यहाँ कैसे लिखा जाए? फिर ये पूरा प्रोग्राम है, मैंने इंटीजर डिक्लेयर कर दिया, इनपुट ले लिया, तब यहाँ पे मैं इफ लिख दूँ, क्या लिखूँगा? इफ ए ग्रेटर देन बी, एक ओपनिंग ब्रास लगा दूँगा, फिर उसके बाद मुझे क्या करना है? ये स्टेटमेंट लिखना है, इसके बाद फिर से क्लोजिंग ब्रास यहाँ लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद एल्स लिखना पड़ेगा, तो इसको मैं मिटा ही देता हूँ, थोड़ा सा ठीक से लिखते हैं। एक लिखने का तरीका थोड़ा गौर कीजिए, ये जो लाइन है ये लाइन हमने थोड़ी हटा के लिखी, ये लाइन थोड़ी हटा के लिखी है, ऐसा जरूरी नहीं है, आप यहाँ से भी शुरू करो या इसको यहीं से लिखो तो भी सी प्लस प्लस को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चूंकि ये प्रोग्राम आप और हम बाद में पढ़ेंगे तो इसलिए हमें समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए कि ट्रू वाले इंस्ट्रक्शन कौन सी है और फॉल्स वाले इंस्ट्रक्शन कौन। ये आसानी से समझने के लिए इफ कंडीशन के बाद में जो ब्रास लगाते हैं उसमें एक या ज़्यादा स्टेटमेंट हो वो थोड़े हटा के लिखें, इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। यानी अगर ये लाइन आप यहाँ से शुरू कर रहे हो तो जैसे ये हटाया कि बोला ये पूरा का पूरा हमारा प्रोग्राम है, उसी तरह इसके अंदर का जो ब्लॉक है, इफ ब्लॉक बोलते हैं इसको, उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स आएंगे वो भी आप हटा के, ये लिखने का तरीका। जैसे मैंने कहा जरूरी नहीं है, सी प्लस प्लस सब समझ जाते। क्लोजिंग कर ली ब्रैकेट है, ये सेमी कॉलम के बाद भी लगा सकते हैं क्या? ये हाँ, ये ओपनिंग नहीं, ये ए सेमी कॉलम के बाद, ए सेमी कॉलम, हाँ यहाँ पे भी लगा सकते हैं। कौन सी लाइन पे कौन सा सिंबल आता है इसका सी प्लस प्लस से कोई सारोकार नहीं, लेकिन एक अपने अपने लिखने के तरीके हैं, ये भी सही तरीका है, आप ऐसा भी कर सकते हैं। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ये बिल्कुल सही है, बस ये ख्याल रहे कि सेमी कोलन जो है ब्रैकेट के बाद में ना दिया जाए। कारण बताता हूं, असल में इफ स्टेटमेंट जो होता है सी प्लस प्लस में उसका जो जनरल फॉर्मेट है वो इस तरीके का है, इफ कंडीशन STMT1 else
STMT2। ये C++ में इफ स्टेटमेंट का रोल है। इफ स्टेटमेंट किस तरह से लिखा जाएगा, तो इफ स्टेटमेंट ऐसे लिखा जाएगा कि इफ के बाद में एक कंडीशन आएगी, उसके बाद में खाली एक स्टेटमेंट आएगा, फिर एल्स आएगा, उसके बाद में खाली एक स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट, इफ जो इंस्ट्रक्शन है वो यही बोलता है कि आप कंडीशन चेक कर लो, उसके बाद या तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर लो या वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। तो असल में अपने को ब्रांचेस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। सवाल अगर हम ऐसा लिखे हैं, ये एक फॉर्म है, दूसरा फॉर्म है इफ कंडीशन STMT1, बस दूसरा कोई स्टेटमेंट ही नहीं, एल्स कंडीशन ही नहीं। यानी अगर आपको वो डायमंड बॉक्स में अगर कंडीशन ट्रू है तो ये करना है, ट्रू नहीं है तो बिना कुछ किए यहाँ जाना है। मान लीजिए यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टेटमेंट, यहाँ पे लिख देते हैं कंडीशन, मान लीजिए आपको इस तरह की कोई इंस्ट्रक्शन देनी है C++ को कि अगर कंडीशन सही हो, ट्रू हो, तो ये कर लीजिए और आगे जाइए, अगर कंडीशन ट्रू नहीं हो तो ये न किए बिना सीधे आगे जाइए। यानी एल्स पार्ट में आपको कोई इंस्ट्रक्शन देनी नहीं है। हम देखेंगे ऐसे भी सवाल आ सकते हैं कि जवाब में हमें इस तरह के ये लिखना। तो इफ स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है C++ में, उसमें ये ओपनिंग ब्रैस, क्लोजिंग ब्रैस वगैरह कोई गुंजाइश नहीं है। वो बोलता है खाली एक स्टेटमेंट लिखो, और एल्स अगर लिखना है आपको तो एल्स के बाद में खाली एक स्टेटमेंट। ये इफ स्टेटमेंट का रूल है C++। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो हम अपने इसी प्रोग्राम को किस तरह से लिखेंगे, ये पढ़ लिया हमने दोनों। इफ ए ग्रेटर देन बी, असल में एग्जैक्ट रूल के मुताबिक अगर लिखना है तो ऐसा लिख सकते। इसका मतलब वही हुआ जो अपन ने पहले फ्लो चार्ट में लिखा था, इसी यही प्रोग्राम कि अगर यह कंडीशन सही है तो यह स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो, अगर नहीं सही है तो ये एग्जीक्यूट। लेकिन हम ब्रेसेस क्यों लगाते हैं? ब्रेस का एक बार मतलब फिर समझ लें। मान लीजिए तीन स्टेटमेंट्स कहीं आते हैं आपके एक के बाद एक किसी प्रोग्राम, और आप चाहते हैं कि इन्हीं तीनों स्टेटमेंट्स को मिला के जो C++ जो है वो ऐसा समझे कि मानो तीनों मिलके एक ही स्टेटमेंट। अब तीन स्टेटमेंट तो अलग अलग लिखना पड़ेंगे, एक जगह आप एक्स को वैल्यू असाइन कर रहे, दूसरे को पी, तीसरे में टी। अगर आप ऐसी ब्रांचेस लिख दें यहाँ पर तो इसका मतलब ये तीनों स्टेटमेंट्स आपने एक बड़े करली ब्रैकेट में अंदर कर दिए, और ऐसा करने से C++ कंपाइलर समझ आ जाएगा कि ये तीनों स्टेटमेंट भले अलग अलग हों लेकिन लॉजिकली ये एक स्टेटमेंट के बराबर। यानी अगर हम यहाँ पे आए तो ये तीनों करके यहाँ से बांध, और अगर हम यहाँ पे ना आए तो इनमें से कुछ ना करें यहाँ चले। चूंकि ये सुविधा उपलब्ध है कि C++ में कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स को हम एक स्टेटमेंट मान सकते हैं, इसलिए प्रोग्रामिंग में एक ऐसा ट्रेडिशन बन गया है कि कहीं भी जहाँ एक स्टेटमेंट लिखना हो कंडीशनल के बाद या इटरेशन के बाद जो हम देखेंगे बाद में, उसमें एक स्टेटमेंट भी भले ही लिखना हो लेकिन उसमें भी हम ऐसे करके ही लिखेंगे, ताकि अगर आगे प्रोग्राम को बदलना है हमें और वो कंडीशन के बाद में यस के बाद में हमें एक की जगह दो या तीन चीज़ें करनी है तो हम यहाँ लिख सकें। तो इसलिए ओपनिंग करली ब्रैकेट और क्लोजिंग करली ब्रैकेट में स्टेटमेंट लिखने की
जनरली ट्रेडिशन, हालांकि जरूरी नहीं है, ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसी को अगर आप इस तरह से लिखने का प्रयास करें तो ये ज्यादा उचित हो। अब ये पूरा मैंने इसलिए बताया कि सवाल पूछा गया था सेमी कोलन कहां होना चाहिए, तो अब देखिए मैं इसी को लिखता हूं, इसमें और इसमें खाली एक फर्क है कि मैंने सेमी कोलन यहां और रख दिया, लेकिन ऐसा करने से पूरे प्रोग्राम का मतलब बदल जाता है। ये सेमी कोलन जब आता है तो ये देखिए ये जो सेमी कोलन आ गया इसके बाद में ये स्टेटमेंट खत्म हो गया, यानी इफ स्टेटमेंट खत्म हो गया, उसको एल्स के लिए कोई गुंजाइश नहीं बची। इसलिए अगर ग्रुप लिखेंगे आप तो उसके बाद कभी भी सेमी कोलन नहीं देंगे, ओपनिंग करली ब्रैकेट और क्लोजिंग करली ब्रैकेट एक जगह खड़ा रहे। अच्छा, अब इस प्रॉब्लम को हम लोग थोड़ा बढ़ाते हैं। रीड थ्री नंबर्स एंड प्रिंट द लार्जेस्ट। ठीक है, प्रॉब्लम अब थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया। अब तीन नंबर है ए बी और सी, मान लीजिए नंबर पढ़ लिया हमने ए बी और सी, इसको बोल देंगे हमने इनपुट कर लिया। चलिए ठीक है, पिछले टाइम हमने देखा था कि हम चेक करते हैं क्या ए बी से बड़ा है, इज ए ग्रेटर देन बी, ट्रू है तो हम लोग बिंदास लिख देते थे आउटपुट ए, लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकते, अब तीसरा नंबर भी है तो क्या वो ए सी से बड़ा है कि नहीं ये भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर चेक करेंगे एक डायमंड बॉक्स लगा के, इज ए ग्रेटर देन सी। अगर मान लीजिए ए सी से भी बड़ा है तो क्या हुआ, मतलब उसका आउटपुट ए। अगर नहीं है तो क्या मतलब हुआ, आउटपुट सी। चलिए इस तरफ आते हैं, मान लीजिए ए ग्रेटर देन बी है ही नहीं, ए तो गया काम से, लेकिन क्या हम बी छाप सकते हैं अब, नहीं, अब क्या करना पड़ेगा, अब बी ग्रेटर देन सी पढ़ना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, अगर ये ट्रू है तो अब क्या होगा, आउटपुट बी, और अगर नहीं है तो आउटपुट सी। और ये सब करने के बाद में हम लोग ऐसे नीचे आते चले जाए, ये फ्लो चार्ट बना, ये लॉजिक अगर एग्जीक्यूट होगा हमारे प्रोग्राम से तो अपने को उत्तर सही मिल जाए। अब इसको किस तरह से लिखा जाए, इसको लिखने के लिए सबसे पहले जरूरी है समझना कि अगर डायमंड बॉक्स कोई भी आ जाता है तो वो डायमंड बॉक्स से लेके और आगे कंटिन्यूएशन तक जो भी इस साइड में आएगा वो इसके ट्रू ब्लॉक में आएगा इस इफ के,
और जो भी इस साइड में आएगा वो इसके फॉल्स ब्लॉक में आएगा। अब ये ट्रू ब्लॉक के अंदर एक और इफ है, हो सकता है उसको फिर से इफ लिखेंगे, उसमें और ब्लॉक रहेगा तो और बनाएंगे। तो इस प्रोग्राम को इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है, इनपुट पढ़ लिया तीनों। अब इफ ए, ये ब्लॉक चालू हो गया, इसके आगे कुछ एग्जीक्यूट करना है तो हम थोड़ा हट के यहां पे लिखेंगे अगली इंस्ट्रक्शन, लेकिन अगली इंस्ट्रक्शन क्या है वो फिर डायमंड बॉक्स है, तो फिर से इफ आएगा यहां। इस डायमंड बॉक्स में लिखा है क्या, बी ग्रेटर देन सी है, बराबर, ये सॉरी ए ग्रेटर देन सी। अगर ए ग्रेटर देन सी है फिर से कर्ली ब्रैकेट चालू करेंगे आप, और इसके राइट में जो भी है वो लिखेंगे, उसके राइट में क्या है, आउटपुट ए, तो यहां लिखेंगे सी आउट, एल्स हाँ बोलिए, ठीक है, ये इफ ए ग्रेटर देन सी सी आउट ए, एल्स सी आउट सी, ये क्या लिखा आपने, खाली ये लिखा हुआ, इफ ए ग्रेटर देन सी सी आउट ए, एल्स सी आउट सी, और यहां पे बाहर निकला, बाहर निकला है यानी पहला वाला जो इफ है उसका ट्रू पार्ट जो है वो हमने खत्म कर लिया, ट्रू पार्ट खत्म कर लिया। ये ट्रू पार्ट यहां से शुरू हुआ था यहां और यहां से यहां, सॉरी ये ट्रू पार्ट यहां से शुरू हुआ था, उसके अंदर ये पूरा का पूरा ब्लॉक है, ये पूरा का पूरा ब्लॉक यहां खत्म, मिलाते जाइए ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट, ये इसके साथ मिलता है, ये इसके साथ मिलता है, ये एक इफ स्टेटमेंट हो गया, और ये पूरा इफ स्टेटमेंट का ट्रू पार्ट है, तो ये इसके साथ यहां मिलेगा। अब यहां लिखेंगे एल्स, ये कौन सा वाला है ऐसे आप बता सकते हैं डायमंड बॉक्स में, ये हम इस जगह पे हैं, यहां अभी हम इस जगह पे, हम ये पूरा इंस्ट्रक्शन लिख के यहां तक आ गए, तो इफ ये नहीं सही है तो यहां यहां से फिर वही ब्लॉक लिखेंगे। अब ये भी उतना ही लंबा है, क्या लिखेंगे आप यहां, बोलिए आप बताइए, एल्स के बाद पहले तो ओपनिंग ब्रास कर देते हैं, फिर इफ फिर से आएगा क्योंकि नया डायमंड बॉक्स है वहां पर, बी ग्रेटर देन सी देन एल्स सी आउट, ठीक है। अब ये एल्स पार्ट हो गया अंदर वाले का, जिसके अंदर एक पूरा का पूरा इफ है, और इसके बाद में ये पूरा इफ पहले वाला खत्म हो जाता है। अब इस सवाल को और आगे बढ़ाते हैं। हाँ, अगर हम उसमें ए ग्रेटर देन बी दे के कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही दे दिए ए ग्रेटर देन, नहीं इफ के बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट ए ग्रेटर देन बी एंड, नहीं इफ के बाद कर्ली ब्रैकेट चालू नहीं हो सकता, इफ के बाद कंडीशन ही लिखना पड़ती है, ये आप भूलिए मत जो मैंने यहाँ लिखा। हाँ तो सर कर्ली ब्रैकेट नहीं स्टार्ट कर, हाँ कंडीशन के लिए हम ए ग्रेटर देन बी एंड A greater than C, हाँ, then C नहीं, out. ये आप कह रहे हैं कि इसी सवाल को सॉल्व करने के दूसरे तरीके भी हो सकते हैं, सही है, हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं, आप क्लास के थोड़ा आगे जा रहे हैं, रुकिए, ये सवाल में इस सवाल को आगे और बढ़ाना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि अब तीन नंबर नहीं है, चार नंबर, अगर इस तरह से आप सोचते रहे, इस तरह से आपका लॉजिक हुआ तो आपका प्रोग्राम कैसे हो जाएगा, ए ग्रेटर देन बी फिर ए लेस देन सी
एक ग्रेटर देन सी, एक और इफ आएगा, एक ग्रेटर देन डी, फिर यस नो, फिर उसका यस नो, फिर उसका यस नो, ट्री के तरह चलो। अगर यहाँ कर दूँ पाँच, तो आप एक दो घंटे यही लिखते रहेंगे। तो हालांकि ये तरीका सवाल का उत्तर सही देगा, लेकिन ये तरीका कोई ठीक नहीं है। इतना बड़ा प्रोग्राम लिखने से तो पाँच नंबर में देख के बता दूँ भाई ये बड़ा, कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं। और हम तो आगे हज़ार नंबर करना चाहते हैं, तो ये इसमें तो पागल हो जाए। हालांकि ये उत्तर सही दे रहा है, लेकिन ये तरीका सही नहीं, दूसरा क्या तरीका हो सकता। तो हम एक और तरीका सोचते हैं, बिल्कुल अलग। वो तरीका ऐसे सोचते हैं, हम एक जगह ऐसी बना लें, ए बी सी डी पांच नंबर हैं, ए बी सी डी और ई, एक जगह बना लें, इसको नाम रख देते हैं हम एम, एम यानि मैक्सिमम। हमें पता नहीं इन पांच नंबरों में से कौन सा मैक्सिमम हो, लेकिन जैसे जैसे हम नंबर पढ़ते जाए, अगर ऐसा करें कि एक नंबर लिया जो पहला जो भी है, उसको हमने कह दिया कि तू तू सबसे बड़ा, उसको यहाँ रख दिया इस एम में, उस पहले वाले नंबर को रख, फिर दूसरा नंबर देखेंगे और उसको ए या सी या डी से कंपेयर करने की बजाय उसको इससे कंपेयर करेंगे, तू इससे बड़ा है क्या, अगर नहीं है तो घर जाओ, अगर इससे बड़ा है तो इसको हटा के उसको रख देंगे, तीसरे को देखेंगे, उसके साथ भी यही सलूक करेंगे। तो हर समय में हम खाली एक ही कंपेयर करें, एक ही कंपेरिजन करेंगे, जो भी नंबर आया वो इससे बड़ा है क्या, अगर इससे बड़ा है तो अंदर की वैल्यू मिटा के उसको लिख देंगे यहाँ पे, अगर इससे छोटा है तो हमें कुछ करना ही नहीं। तो हमारा फ्लो चार्ट देखिए कैसे हो जाएगा, ये हमारा फ्लो चार्ट ऐसे हो जाएगा, ये मैंने इनपुट पढ़ लिया, ए बी सी तीन के लिए लिखता हूँ क्योंकि ये आसानी से पाँच दस के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। पहला जो नंबर है उसको मैंने मैक्सिमम करार कर दिया अपने आप कि तू बड़ा सबसे, अभी मुझे मालूम नहीं बड़ा है कि, लेकिन चूंकि ये मैंने अस्यूम कर लिया है कि ए सबसे बड़ा है, अब मेरे को इफ स्टेटमेंट में जो कंपेयर करना है, दूसरा नंबर जो है बी, उसको ए से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं, उसको मैं एम से कंपेयर करूँगा। जैसे मैंने कहा भाई दूसरा नंबर आया, तू बड़ा है क्या इससे, अगर है तो क्या करूँ, अगर है तो मैं m की वैल्यू चेंज कर दूंगा यहाँ, अगर नहीं है तो मुझे कुछ करना धरना नहीं। अब देखिए यहाँ आते आते मुझे दोनों में से सबसे बड़ा कौन है वो m में मिल गया है, यहाँ आने के बाद फिर एक बार चेक करता हूँ कंडीशन क्या है वो, अब क्या चेक करूँगा, c ग्रेटर देन b क्यों नहीं या a क्यों नहीं, क्योंकि ए अभी दोनों में से जो भी बड़ा है वो हमने कैप्चर कर लिया है सी एम में, तो इसलिए एम के साथ ही कंपेयर करेंगे, और अगर सी बड़ा निकला तो एम इज इक्वल टू सी हो गया, अगर नहीं बड़ा निकला तो कुछ नहीं करने का हमें। अब यहाँ आने के बाद अगर हमने सी आउट एम बोला तो क्या आप मानते हैं कि सबसे बड़ा नंबर आ जाएगा, तो आप जिस तरह से सोच रहे थे कि कुछ ऐसा किया जाए कि एक ही समय में कॉम्प्लेक्स कंडीशन चेक कर ली जाए ताकि दूसरा कुछ ना करना, मैं मेरा जहाँ तक ख्याल है इनकी सोच ऐसी थी उस प्रोग्राम में, ये चाहते थे कि मैं लिखूँ इफ ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी आउटपुट सी और आउटपुट ए, इस तरह से कंडीशन लिखते, वो तरीका उस सवाल के लिए सही था। लेकिन मान लीजिए अगर आपके पास 100 नंबर है तो आपके कंडीशन एक कंडीशन लिखने से नहीं होगा, फिर आपको लिखना पड़ेगा इफ बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी देन प्रिंट बी। तो अगर 5-10 नंबर होंगे तो आपकी कंडीशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएंगी हर बार, इसलिए वो तरीका भी थोड़ी देर के बाद आपको फेंकना पड़ेगा। इसके लिए ये जो तरीका है ये सबसे ईजी लगता है, और इसमें आप देखें
भले 3 नंबर हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप एक के बाद एक लिखते चले जाए और आपका प्रोग्राम कैसे होगा? ये मैं 5 नंबर के लिए लिख रहा हूं। पांचवा नंबर पढ़ लिया मैंने, मुझे एक आदमी और लगेगा एम, क्योंकि मैं यहां कहना चाहता हूं एम इज इक्वल टू ए। अगर ऐसा लिख दूंगा तो सी प्लस प्लस कंपाइलर मुझे गाली देगा क्योंकि मैंने एम को डिक्लेयर नहीं किया। तो एक और स्टेटमेंट लिख देते हैं इंट एम, तो उसको पहले से पता चलेगा एम नाम का लोकेशन हमारा। ठीक है, अब ये हो गया। अब क्या लिखना है मुझे? इफ बी ग्रेटर देन एम, देखिए सिंपल वाला जो फॉर्मेट है इफ का यूज कर रहा हूं, कोई एल्स नहीं, कुछ नहीं। इफ एम ग्रेटर देन बी, बी इक्वल टू एम। हालांकि जैसा हमने कहा है कि भाई ऐसे हम नहीं लिखेंगे प्रोग्राम, हम हमेशा इसको ऐसा लिखेंगे। अदर इफ ठीक है, ये लॉजिक समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। ये देखिए कितना छोटा हो गया प्रोग्राम, नहीं तो आप इफ एल्स लिखते जाते तो उसमें कंफ्यूजन होता आपको भी और शायद सी प्लस प्लस को, क्योंकि आपने कहीं गलत लिख दिया, कहीं एक एस छूट गया, कहीं ओपनिंग ब्रास से क्लोजिंग ब्रास नहीं मिला, कहीं कोई कंडीशन ठीक नहीं हुई, तो गड़बड़ हो गया। और ये प्रोग्राम एक्सटेंडेबल है। हालांकि ये सोचने की बात है कि अगर 5 की जगह हमारे पास 15 नंबर हो तो क्या हम 15 इंस्ट्रक्शन इस तरह लिखेंगे? वो लिख सकते हैं, हमारा प्रोग्राम थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अगर 1000 नंबर हो तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, लेकिन 999 कंपैरिजन लिखने पड़ेंगे। अगर 1 मिलियन नंबर्स के बीच में सबसे मैक्सिमम निकालना, मिलियन 10 लाख, आपका पूरा सेमेस्टर ये प्रोग्राम लिखने में चला जाए और अगला सेमेस्टर वो 1 मिलियन वैल्यू देने में, ये कोई ठीक नहीं है। इसलिए हमको कोई ऐसी कोई ऐसा तरीका चाहिए कि सी प्लस प्लस को बता सके कि भाई हम ये ढोर मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल सिमिलर चीजें कर रहे हैं, फिर से हम आपको एक बार बता दें ये करना है, इसको 1 मिलियन बार करो। ऐसा अगर हम कह सके तो अपना प्रोग्राम कम हो जाएगा, कंप्यूटर का काम कम नहीं होगा लेकिन अपना प्रोग्राम छोटा हो जाएगा। वो करने के लिए एक और कंट्रोल स्ट्रक्चर है, उसको बोलते हैं इटरेशन। क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद में सेमीकोलन आ ही नहीं सकता है क्योंकि इफ कंडीशन के बाद में स्टेटमेंट आना जरूरी है। अगर आपने सेमीकोलन लगा दिया तो उसका असल में मतलब होता है आपने नल स्टेटमेंट दे दिया, तो इफ स्टेटमेंट जो है पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा वहाँ, उसके आगे अपना एक के बाद एक एग्जीक्यूट होते चले जाएंगे। इनका सवाल यह है, अगर मैंने ऐसा लिख दिया इफ एक्स ग्रेटर देन वाई सेमीकोलन तो क्या होगा? क्या यह गलत है? इफ स्टेटमेंट का मतलब है कि आप कुछ कंडीशनली एग्जीक्यूट करना चाहते हैं,
अगर आपको कुछ एग्जीक्यूट करना ही नहीं है तो इफ स्टेटमेंट क्यों लिखा आपने? इफ स्टेटमेंट के इस ब्रैकेट के बाद में आप याद कीजिए जो मैंने फॉर्मेट दिया था, उसमें लिखा था स्टेटमेंट वन सेमीकोलन। ये स्टेटमेंट यहां नहीं हुआ तो सिंटैक्स गलत। अगर यहां पे आपने ऐसे लिख दिया तो कई सी कंपाइलर इसको बोलेंगे ये ठीक है, क्योंकि ऐसा जो जहां स्टेटमेंट आना चाहिए वहां अगर सेमीकोलन आ गया तो सी प्लस प्लस कंपाइलर समझता है कि नल स्टेटमेंट दे दिया, यानी आपको कुछ करना ही नहीं है। तो वो स्टेटमेंट नल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा और इफ स्टेटमेंट खत्म कर देगा। लेकिन फिर आपने इफ स्टेटमेंट लिखा ही क्यों? आप खाली सेमीकोलन लिख देते। भाई देखिए, किसी एक प्रोग्राम में आप सेमीकोलन 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 ऐसे लिख सकते हैं, सी प्लस प्लस कुछ गाली नहीं देगा, वो बोलेगा नल स्टेटमेंट नल स्टेटमेंट नल स्टेटमेंट नल स्टेटमेंट। ट्रांसलेट करते समय वो सबको भुला देगा कुछ, क्योंकि इंस्ट्रक्शन जनरेट ही नहीं होनी। सो नाउ वी आर लुकिंग एट द पॉसिबिलिटी दैट शुड वी बी एबल नॉट टू एबल टू एग्जीक्यूट दी स्टेटमेंट्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन। लेकिन इसमें हर स्टेटमेंट अलग है। इसमें लिखा है क्या बी ग्रेटर देन एम है तो एम इक्वल टू बी करो, क्या सी ग्रेटर देन एम है सी इक्वल टू एम करो, एम इक्वल टू सी करो, ई ग्रेटर देन एम है एम इक्वल टू ई करो। यानी इसमें कोई भी ऐसा एक स्टेटमेंट नहीं है जिसको हम कह सके कंप्यूटर को कि इसको हजार बार कर लो। हर एक अलग अलग स्टेटमेंट। इसमें दो दिक्कतें, एक तो हजार स्टेटमेंट मिलियन स्टेटमेंट लिखना पड़ेंगे एक, और दूसरा मिलियन वेरिएबल्स के नाम लिखना पड़ेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स के नाम, ए बी सी डी, दोनों ही तरह से गड़बड़। इसलिए हम इस प्रोग्राम को दोबारा लिखते हैं। उसमें हम करेंगे, यहाँ से लिखता हूँ मैं इंट ए देखिए मैंने क्या लिख दिया। मैंने बी सी डी ई ये चारों नाम हटा दिए, एक ही नाम रखा ये। अब ये जो प्रोग्राम है, जैसे मैंने कहा था एम नाम का एक लोकेशन है, वैसा अब ए नाम का एक और लोकेशन है मेरे। यहाँ पे हम पांच नंबर लिख देते हैं जो हम देने वाले हैं उसको कंपेयर करने के लिए। मान लीजिए हमने लिखा 7, 13, 5, 11, 2, ये पांच नंबर हैं जिनमें हमको मैक्सिमम निकालने का। इस प्रोग्राम को अगर हम ये पांच नंबर देंगे तो मैक्सिमम क्या आ जाएगा बाहर? 30। अब ये हमने थोड़ा अलग तरीके से प्रोग्राम लिखा है, उसी को देखते हैं क्या करता है। सबसे पहले इनपुट लेगा ए, ए में क्या आएगा? पहला नंबर आ जाएगा 7, ठीक है। उसके बाद m इज इक्वल टू a, यानी a की वैल्यू m में चली गई, यहाँ पे 7 आ। अब उसके बाद फिर से स्टेटमेंट क्या एग्जीक्यूट हुआ? इनपुट a,
अब उसको ये सारोकार नहीं है कि एम ए पहले आपने कभी कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा, उसने आपने उसने देख लिया इनपुट है तो वो जो वैल्यू लेगा अगली वो एम ए रखेगा, अगली वैल्यू क्या आएगी अब 13, 7 तो चली आई तो यहाँ पे आ जाएगा 13, ए की वैल्यू गायब हो गई। अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, इज ए ग्रेटर देन एम, क्या 13 7 से बड़ा है? है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, एम इज इक्वल टू ए, यहाँ पे 13 आ जाएगा। अब ये अगला स्टेटमेंट आ गया, यहाँ पे इनपुट ए, अगली वैल्यू ए में आएगी, अगली वैल्यू क्या है 5। इज ए ग्रेटर देन एम, क्या 5 13 से बड़ा है? नहीं है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, हम एल्स पार्ट में हम आगे चले जाएंगे। इनपुट ए अगेन, अब क्या होएगा यहाँ 11, इज 11 ग्रेटर देन 15? नो, कुछ नहीं होगा। फिर यहाँ आ गए इनपुट ए 2, इज ए ग्रेटर देन एम? नो, यानी एम की वैल्यू जो है वो वही बरकरार रही जब तक कि वो दूसरे नंबरों से बड़ी है। मान लीजिए यहाँ 2 की जगह हम 22 देते तो क्या होता, सी इन ग्रेटर ग्रेटर ए, यहाँ पे 22 आ जाते। इज ए ग्रेटर देन एम? हाँ, 22 17 से बड़ा, ये 13 से बड़ा है, 13 निकलते हैं 22। ठीक है, समझ गए कि किसी भी क्षण कोई भी आप इनमें से स्टेटमेंट कोई भी एग्जीक्यूट करोगे उसके बाद में अब तक की जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो एम में रहेगी, द लार्जेस्ट अमंग्स द अवेलेबल वैल्यूज विल बी इन एम। एंड नाउ वी नोटिस वी हैव डन समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, हमने ये जो ट्रांसफॉर्मेशन किया इस प्रोग्राम को इस तरीके से लिखने में, इसमें एक बड़ी चीज हमने हासिल कर ली कि हमने ऐसा इंस्ट्रक्शन ढूंढ लिया जो एक ही इंस्ट्रक्शन सी इन ग्रेटर ग्रेटर ए इफ ए ग्रेटर देन एम एम इक्वल टू ए, सी इन ग्रेटर ग्रेटर ए इफ ए ग्रेटर देन एम एम इक्वल टू ए। अब हम अगर कुछ तरीका अपना लें कि सी प्लस प्लस को बोल दें कि भाई ऐसी इंस्ट्रक्शन हमने लिखी है एक जैसी है तो हम आपको एक ही बता दें, यह इंस्ट्रक्शन है, इसको 10 बार करो, इसको 20 बार करो, इसको 50 बार करो, क्योंकि इंस्ट्रक्शन सेम है, हालांकि वो इंस्ट्रक्शन जिस वैल्यू को हैंडल करेगी वो अलग अलग रहेगी हर बार, क्योंकि इनपुट ए अलग है, एम भले पुराना हो सकता है लेकिन वो बदल भी सकता है, तो वही इंस्ट्रक्शन जिसका इफेक्ट हर बार भी अलग अलग हो सकता है, ये इट्स ए वेरी पावरफुल नोशन इन प्रोग्राम। और ये इंस्ट्रक्शन ईजाद करना किसी प्रॉब्लम के लिए ये सबसे बड़ा दिमाग का, वो एक बार कर लिया तो आगे जो इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन बहुत इजी है, वो मैं आपको बताता हूँ। इंस्ट्रक्शन जो है अब तक हम क्या देखते थे, कोई कंडीशन है तो ट्रू है तो ये करो, फॉल्स है तो ये करो, लेकिन आगे बढ़ते चले जाओ। अब हम क्या चाहते हैं, ये जो 3 स्टेटमेंट हमने लिखे हैं ये 3 इंस्ट्रक्शन को मान लीजिए हम एक ब्लॉक समझ लें, ये और ये, और इसके लिए हम ये ब्लॉक कैसे बना सकते हैं, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट लगा दिया तो तीनों स्टेटमेंट का मिलके एक ब्लॉक हो गया, लॉजिकली एक स्टेटमेंट हो गया। अब हम ये चाहते हैं कि ये स्टेटमेंट फिर से कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता चला जाए, उसके लिए हमें इस तरह की फ्लो चार्ट की जरूरत। अगर कोई कंडीशन हम देखेंगे, ये कंडीशन का इस कंडीशन से कोई सारोकार नहीं है, ये कंडीशन तो इफ कंडीशन, ये अलग जो नया स्टेटमेंट है सी प्लस प्लस में वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो स्टेटमेंट होता है while ये C++ का से
while condition do this block, लेकिन if में क्या होता, अगर यहां if लिखते, if condition do this block and come out, while अगर लिखने से उसका मतलब बिल्कुल अलग हो जाता. While का मतलब है कि अगर condition सही है इसे करो और फिर से वापस आओ, फिर से condition check करो, अगर condition फिर भी true है फिर से करो, फिर से वापस आओ. ये बड़ा powerful statement है. ये ध्यान देने वाली बात है कि इफ का और इसका कोई तारोकार नहीं है. इफ जो थी उसमें भी डायमंड बॉक्स हम बताते थे, लेकिन अगर कंडीशन सही है तो ये करके आगे जाओ, नहीं है तो ये करके आगे जाओ, आगे जाने का सिलसिला था उसमें. वाइल में आदमी आगे नहीं बढ़ सकता. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है, ये जो लाल रंग का पाथ है ये व्हाइल की कैरेक्टरिस्टिक. आपने कहीं व्हाइल लिख दिया उसके बाद ब्लॉक लिख दिया तो समझ लो जिंदगी के अंत तक वो घूमता रहेगा, कुछ करेगा फिर वापस जाएगा, कुछ करेगा फिर वापस जाएगा, कुछ करेगा फिर वापस जाएगा. अगर इस घुमा फेरी से कंप्यूटर को बाहर निकालना है तो आपको ये करना पड़ेगा कि ऐसी कोई कंडीशन लिखनी पड़ेगी जो कहीं तो भी जाके फॉल्स हो जाए. जब तक यह ट्रू रहेगी तब तक यह करता, ठीक है. तो इस तरीके स्टेटमेंट लिख के हम कैसे कर सकते हैं कि ज्यादा नंबर्स का मैक्सिमम हम निकाल सकें. ये तो हमने प्रोग्राम देखा था, 5 नंबर का मैक्सिमम निकालना, 10 का निकालना हो हमने सोचा और 4-5 इंस्ट्रक्शन लिखी, लेकिन 1000 का निकालना हो हमें ऐसा नहीं करना. तो हमें अब कैसा चाहिए, अब हमें क्या लिखना है ये देखते हैं. ये कंडीशन क्या लिखेंगे हमें मालूम नहीं. इसमें रिपीटेटिव स्टेटमेंट कौन से हैं, ये 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 और ये, क्या ये स्टेटमेंट इसके जैसा है? नहीं, ये अलग है. तो रिपीटिशन के पहले इसे लिखना पड़ेगा, यानी कम से कम एक नंबर हमें पढ़ लेना पड़ेगा पहले, तो उसको लिख देते हैं. ठीक है, ये स्टेटमेंट ऊपर लिख दिया. अब हम चाहते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है इसको बार 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 एग्जीक्यूट हो. अब ये 3 स्टेटमेंट है इसमें, ये तीनों हम इस ब्लॉक के अंदर लिख दें. क्या लिखा जाएगा, ठीक है. अभी हमें कंडीशन क्या है पता नहीं है. फर्ज कीजिए कंडीशन हमेशा ट्रू निकलती है तो ये प्रोग्राम क्या करेगा, ये प्रोग्राम सबसे पहले वैल्यू पढ़ेगा एक ए की, उसको एम में डाल देगा. उसके बाद क्योंकि कंडीशन हमें मालूम नहीं है, हम ऐसा समझ लेंगे कि वो ट्रू है. अगर ट्रू है तो इसके अंदर आएगा, यहां पे दूसरी वैल्यू पढ़ेगा, उसको एम के साथ कंपेयर करेगा, एम को रीसेट करेगा, अगर गरज हुई तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से यहाँ आएगा. नॉर्मली वो यहाँ से आगे चला जाता, लेकिन ये रेड लाइट जली हुई है व्हाइल की. तो व्हाइल को ऐसा समझ लीजिए कि व्हाइल नाम का आदमी ब्लॉक के एंड में एक चौकीदार बिठा के रखता है, आगे पीछे 2 चौकीदार. यहाँ अगर आए तो आपको फेंक देता वापस, और ऊपर वाला चौकीदार जो है खाली एक सवाल पूछता है, कंडीशन ट्रू है क्या, ट्रू है तो फिर से करो, अगर ट्रू नहीं है तो बाहर जाओ. तो ये मेरे ख्याल से एग्जाम्पल बिल्कुल सही है कि 2 चौकीदार बैठे हैं, पहला वाला आखिरी वाला चौकीदार व्हाइल में आपको बिल्कुल बेरहमी से वापस फेंक देगा कि आपको जाना ही है वापस. फिर यहाँ जाके वो पहला चौकीदार फिर कंडीशन पूछे. इस चौकीदार का यही काम है, चाहे आप यहाँ से आओ चाहे इस चौकीदार के फेंके जाने के कारण से आओ, जब भी यहाँ आओ तो पहले कंडीशन चेक करो, कंडीशन ट्रू है आगे बढ़ो, ये पूरा करो फिर से, अगर कंडीशन गलत निकल गई तो आप निकल सकते. अब ऐसा इटरेशन हमने लिखा तो ये प्रोग्राम तो जो बना इसको बोलते कंडीशन क्या लिखेंगे,
मान लीजिए कंडीशन पहली बार तो सही होना चाहिए, नहीं तो चलेगा ही नहीं। लेकिन पहली बार अगर सही हुई और वो कंडीशन वैसी रही तो ज़िंदगी भर सही रहेगी वो, तो वो इनपुट लेता जाएगा, कंपेयर करता जाएगा, 1,000 क्या, 1 मिलियन क्या, 10 मिलियन, 1 बिलियन, कितने भी नंबर हों उतना कंपेयर करता जाएगा। हमें कहीं तो भी रोकना है उसको, रोकने के लिए क्या कंडीशन लगाई जा सकती। तो असल में इस तरीके से जो इटरेशंस होते हैं इनको रोकने के लिए कुछ आर्टिफिशियल कंडीशन लगानी पड़ती, नेचुरल कंडीशन हमेशा मिलेगी अपने को, ऐसा जरूरी। इसलिए ये जो प्रोग्राम है इस प्रोग्राम को हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। ए प्रॉब्लम, thank you.